दोस्तों पश्चिमी देशों को सांप सूंघ चुका है, जानते हैं क्या हुआ है? डेवलपमेंट है डिप्लोमेसी को अगर देखा जाए। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक समझौते की बड़ी खबर है। भारत चीन के बीच एलएसी पर बड़ा समझौता, भारत चीन के बीच फिर से शुरू होगी पेट्रोलिंग। पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स और ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है इसके रिजॉल्व करने के। ब्रिक्स 2024 कजान समिट के ठीक पहले इंडिया और चाइना ने बॉर्डर डील साइन कर लिया है। इंडिया चाइना में लद्दाख वाले इलाके में जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो खत्म हो चुका है। तेजी से आगे जा रही है, पुराने पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। नाउ इंडिया बी एबल टू पेट्रोल इन द एरियाज ऑफ गलवान दिपसांग। वी हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग व्हिच विल अलाउ द पेट्रोलिंग, वी विल बी एबल टू डू द पेट्रोलिंग व्हिच वी वर डूइंग इन 20। चाइना जैसा मुल्क अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज पीछे हट गया इंडिया से, ठीक है, तो आपको लगता है आप उनकी हदूद में घुस के कश्मीर ले आएंगे? ये वेस्ट का बिगेस्ट फियर है, कुछ वही कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है और वो बस और बस इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मूक दर्शक बनने वाले हैं। रशिया, चाइना और इंडिया तीन महा महा महाशक्ति हैं ये, और अगर ये तीन एक हो जाती है तो ईयू प्लस कनाडा प्लस अमेरिका इनका कोई मैच नहीं। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके, लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके, और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर भी एग्रीमेंट हो चुका है। जिस तरह से चाइना की आर्मी एग्रेसिवली पेट्रोलिंग कर रही थी वो बैक जाएंगी 2020 में, जो कंडीशंस अगर देखा जाए 2020 की थी वहीं पे चाइना की आर्मी को जाना पड़ेगा। दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी आर्मी लद्दाख से हटाने का फैसला कर लिया है और 22 और 23 अक्टूबर को रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट भी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। चाइना मिलना चाहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। पीछे हटाना तो मैं कहता हूँ इंडिया की जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। इतना जितना क्रेडिट इंडिया को देना पड़ेगा उतना ही कम है। उसकी रीजन ये है कि इंडिया जो है ना वो अब इकोनॉमिकली जो है ना वो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत ज्यादा जो है ना वो उसने ग्रो की है दुनिया के ऊपर जब से वो मोदी की गवर्नमेंट आई है। वहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है ना वो डेवलप किया। लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा है कि भाई अब हमारा जो है ना वो मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहाँ पे रही नहीं है चाइना की, इस वजह से बजाय इसके जानी नुकसान हो हमारी भी फौज जो है ना वो मरे उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके जो है ना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सके और इन अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी बेटर तरीके तो से कर सके। चाइना ने अपनी सेफ साइड खेली है। एग्जैक्टली अपनी सेफ साइड के लिए भाई दुनिया है ही लालची, दुनिया अपनी सेफ साइड खेलती है। हम चाइना को ऐसे ना समझे कि भाई चाइना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, भाई कोई भी मुल्क जो है ना वो अपनी सबसे ज्यादा अपना फायदा देखते हैं। अब चाइना को अपना फायदा इंडिया में नजर आ रहा था कि भाई इंडिया जितना ग्रो कर रहा है वहाँ पे आप टेक इंडस्ट्री देख लें, आप ये मोटर इंडस्ट्री देख लें, मैं कहता हूँ दुनिया अब चाइना को उसने बीट कर दिया भाई। और डिफेंस में भी इंडिया के DRDO की बात करें और भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़ी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया के है। दो उन्होंने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना दी हैं, इंडियन ओशन पे भी इंडियन आर्मी की पावर नजर आ रही है, बॉर्डर पे भी पावर नजर आ रही है। तो आपका ये कहना है कि अगर चाइना लद्दाख से हट रहा है तो इसमें चाइना का फायदा है क्योंकि वो इंडिया को नहीं डरा सकता। ये तो अब बिल्कुल भी नहीं डरा सकता था। अगर हम बैक 5 ईयर टू 6 ईयर चले जाए ना तो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो खड़ा होता था और हमने वीडियोज भी देखी है, इवन दो कि हमने वीडियोज देखी है और इंडियन आर्मी जो है ना वो थोड़ी बहुत हमें वहां पे लड़खड़ाती हुई नजर आती भी थी कि भाई वो जो है ना वो बैकफुट पे हमें नजर आते थे, लेकिन अब 2-3 सालों से अच्छे डंडे चला रही है चाइना। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी रीजन यही है कि अब जब कंट्री जो है ना वो इकोनॉमी वाइज अगर ग्रो करती है ना तो आपका जो है ना वो दुनिया के ऊपर इमेज ही डिफरेंट बन जाता है। अब इमेज एग्जैक्टली अब इमेज जो है ना वो इंडिया का एक डिफरेंट जो है ना वो जाता है चाइना के पास और उनको पता चल गया कि भाई आने वाले दिनों में जो है ना वो इसका मुकाबला करना बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा। अगर चाइना की ट्रेड जो है ना वो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है मैंने अब जैसे कि बताया दूसरी बड़ी जो है ना वो पॉपुलेशन वाइज कंट्री है, तो इतनी बड़ी मार्केट को आप जो है ना वो उससे वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते जिस तरह पाकिस्तान डिस्कनेक्ट हुआ है। हाल हमारे
सारे देख ले इकोनॉमी के क्या चल रहे हैं, तो चाइना जो है ना वो गलती कभी भी नहीं दोहराएगा, वो डिस्कनेक्ट कभी भी नहीं होना चाहेगा इतनी बड़ी मार्केट से। बिल्कुल, और 2000 भी कहते बैक टू 2020 साथ जो है इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट भी कोट की कि 2020 के बाद जो है बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, गलवान घाटी के ऊपर जो है चाइनीज आर्मी का एग्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चाइना जो है हट रहा है पीछे, जाहिर है इंडिया की एक पावर नजर आ रही है। इंडिया दोस्तों जैसे जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370/35A रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब अर्दोगान से कजान के अंदर, रशिया के अंदर, जहां पे G20 की मुलाकात हो। ये आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो हम वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मजीद वो ममालिक को मजीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब अर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी, मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब SCO की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गजा के अंदर सिचुएशन है या बाकी ममालिक के अंदर जो इस वक्त यूक्रेन की सिचुएशन है, जो टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है वो कश्मीर को या इंडिया पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, वो सिचुएशन को दी जा रही थी। सो पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कहा है कि अगर किसी मुल्क ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो दैट इज़ कोई इसी को बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पे एक OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप है, वहाँ पे हमेशा जो है मुलाकात होती है और कश्मीर का जिक्र होता है, टर्की उसमें पार्टिसिपेट करता है, टर्की हमेशा कश्मीर के मसले को अपहोल्ड करता है, और OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है, और ये जो है क्योंकि पाकिस्तान बायलैटरली इस मसले को हल करता रहा है, तो ये बात करता रहा टर्किश हुकूमत के साथ, so this is what they are considering. तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी ने आज फॉर्मली अनाउंस कर दिया है भारत और चीन के बीच में पेट्रोलिंग को लेकर अग्रीमेंट साइन हो चुका है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। कहां पे दोस्तों? ईस्टर्न लद्दाख की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो अब तक क्या हुआ था एक बार रिकैप कर देता हूं। अगर हम देखें अपने लद्दाख वाले ईस्टर्न लद्दाख के इलाके को देखें तो यहाँ पे काफी इलाकों में प्रॉब्लम्स चल रहे थे। स्टैंड ऑफ हुआ था गालवान में, हुआ था पेंगोंग सो में, हुआ था हॉट स्प्रिंग्स में, हुआ था इसी के पास में दोस्तों गोगरा है वहां पे हुआ था, दीपसांग प्लेन में हुआ था, डेमचौक में हुआ था। अब दोस्तों दीपसांग प्लेन और डेमचौक को छोड़ के बाकी इलाके तो ओवर टाइम हमने सॉल्व कर लिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेमचौक में प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद सॉल्व हुआ, लेकिन दीपसांग प्लेन्स में तो प्रॉब्लम जस का तस बना रहा अब तक। जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो चाइनीज PLA ने यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 तक एंट्रेंच कर लिया था, जहां तक भारत पेट्रोलिंग करने जाता था। 2020 ऑनवर्ड्स ये यहां तक अंदर घुसकर आ गए थे। लेकिन फिर दोस्तों अगर आप देखें तो अब न्यूज आई है कि डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री नेगोशिएटर्स ने इतने टाइम तक जो नेगोशिएशन किया है उसके अंतर्गत जो सेवरल राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं इनका नतीजा निकल गया है। नतीजा ये हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया चाइना ने दोनों ने जो प्रॉब्लम्स थे, जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ था, उससे डिसएंगेज कर लिया है, और 2020 के पहले जैसा जस का तस था अभी न्यूज आ रही है
कि वैसा ही पहले जैसा हो गया है, इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, ये पहली बार हो रहा है चाइना सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स के अंतर्गत यदि कोई जमीन खाता है तो आज तक किसी को लौटाया नहीं है। ये पहली बार है कि चाइना के कहीं ना कहीं जो जमीन वो खाया है हमने छीन के उससे वापस लिया है। क्या बदला है दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो, इस बीच में भारत ने चीन को ये याद दिला दिया बार बार कह के कि रिश्ते तभी नॉर्मलाइज होंगे जब बॉर्डर स्टैंड ऑफ एंड होगा, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम लगभग 4.5 साल तक इस बात पे अड़े रहे। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में कोई फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, बार बार वो कहते रहे, हमने कह दिया कि नहीं, जब तक आप अपना एग्रेसिव पोस्चरिंग एलएसी में खत्म नहीं करेंगे तब तक कोई मीटिंग नहीं होने वाली। पिछले 4.5 सालों में अगर आप देखें तो इंडिया ने चाइना को यह भी बता दिया कि हम आपकी धमकी से डरने नहीं वाले, आप जैसा डिप्लॉयमेंट करेंगे हम मिरर डिप्लॉयमेंट करेंगे, हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बनाएंगे, और अनलाइक यू आपके फौजियों को तो ऑक्सीजन मास्क लगा के पहाड़ों पर आना पड़ता है, और जब वहां पर वो लड़ाई करने आएंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क पर ही शिकार किया जाएगा। अनलाइक यू हमारे फौजी तो सियाचिन में भी योग करते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। आप जरूर सोचिए कल को यदि ये स्टैंड ऑफ एक कन्फ्लिक्ट में तब्दील होता है तब आप क्या करेंगे। दोस्तों जो भी है अच्छी बात है, ये स्टैंड ऑफ सॉल्व हो गया है, चाइना को हमने उसकी भाषा में समझा दिया है। लेकिन इससे एक चीज समझ आ रही है, अब क्यों ब्रिक्स समिट के ठीक एक दिन पहले क्यों? दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में ना टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें तो रशिया वो है जिसको पश्चिमी देशों ने काइंड ऑफ बॉयकॉट कर दिया है, वो शोकेस करना चाह रहा है कि ये ब्रिक्स समिट दुनिया को बताए कि यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। रशिया वेस्ट को बताना चाह रहा है कि आपने हमें भले ब्रिक्स से आपने हमें भले अपने वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर से निकाल दिया तो हम नया वर्ल्ड ऑर्डर देखो यहां बना रहे हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही चुपचाप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट भी करते हैं जो कि उनके इर्द गिर्द घूमता है। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में वेस्टर्न वर्ल्ड उसका पोल नहीं है। क्वेश्चन यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो कि आप समझ लें के जिसके हिस्टोरिकल रिलेशन जो हैं बहुत, अगर आप जाएं 1920 में तक जाते हैं, इंडिया कहता है कि हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं मुगल अम्पायर जब थी, लेकिन जो फॉर्मल ताल्लुकात जो बने वो तो 1948 में ही बने थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ, सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पर आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जारी बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सो आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ व्हाई इजिप्ट इथियोपिया ईरान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अब देखें ये जो कज़ान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है, सो एक तो आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलीबरेटली चाइनीज लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें जिसे वो कहते हैं ना कि हम जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं और हम आप हमारे साथ खड़े हों हम आपके साथ खड़े हों, वो ये तासर देना चाहते हैं। अब कजान के अंदर जो मुलाकात होगी ठीक है जी उसके अंदर ठीक है नरेंद्र मोदी की और इर्दगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। जैसे टर्किश जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं और ये जो जारी बात है वहाँ पे इर्दगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें हमें उसको बनाने में मेम्बर बनाने में ब्रिक्स का। देखें ये होती है जहां भी आप देखें यहां पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया।
ये रशिया, चाइना और इंडिया तीन महा महा महाशक्ति हैं ये, और अगर ये तीन एक हो जाती है तो ईयू प्लस कनाडा प्लस अमेरिका इनका कोई मैच नहीं है। ठीक है, इंडिया आज के 10 साल बाद 15 साल बाद कम से कम 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, वो आप चाइना भी 20-22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो रही होगी, रशिया भी 5-6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो रही होगी। इतनी अगर आप होस्टिलिटी और डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर देंगे कि हमारी नेशनल इंटेग्रिटी को, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, और जिसे कह दीजिए हमारी जो एक प्लूरल सोसाइटी को अगर आप भंग करने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश में आपने ट्राई किया, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि फ्रॉम ऑल स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन या फैक्ट, ये जो यूनुस है ये बेसिकली अमेरिकन आदमी है, ठीक है ना, क्लिंटन क्लिंटन जो फंड है या ट्रस्ट है उनके द्वारा लॉन्च ये बंदा है, ही इज लिस्टिंग टू, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, आपके मुंह से एक बार निकल रहा है कि भाई हिंदूज आर डाइंग इन बांग्लादेश, रोज एक किसी पुजारी को पेड़ पे सड़क पे वो लाश मिलती है, आपके मुंह से तो कभी नहीं निकलता रिलीजियस जो इनका माइनॉरिटी कमीशन है कि इंडिया के हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में या इंडिया के हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में ये हो रहा है। तो आपकी चूंकि आपका नजर का चश्मा जो है वो सिर्फ एंटी इंडिया फोर्सेस को देखना चाहता है और इंडिया को वीकेंड करना चाहता है, तो फिर इंडिया होगा नहीं इतना वीकेंड, हमने एम्पायर्स को हराया भाई। इफ देयर इज एनी कंट्री ऑन द फेस ऑफ द अर्थ जिसने दुनिया के माइटीएस्ट एम्पायर को हराया और अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखा, वी डिड बर्न सम लॉसेस हम मानते हैं, लेकिन हम ओवरऑल अपनी आइडेंटिटी को बचा के रख गए, हमारे पास वेस्टर्न अटैक हुआ, हमारे पास इस्लामिक अटैक हुआ, दोनों को हम झेल गए और हमने अपनी आइडेंटिटी बचा के रखी है।